चंडीगढ़ निगम चोणां दे आ रहे नतीजे ते चल रहे रुझानां दा हाल जानण लई सीधा चंडीगढ़ दा रुख करांगे। साडी पत्रकार हरसिमरत उत्थे बणी हुई है। हरसिमरत, किस किस तरीके दे रुझान वेखण नूं मिल रहे आ? बिल्कुल नवजोत, जिवें रुझाना का जिक्र तुसी आप ही किया कि दो जगह कांग्रेस, दो जगह आम आदमी पार्टी, दो जगह भाजपा ने जित हाले तक हासिल कर रही है। ते तीन जगहों ते जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वह लीड दे विच चल रही है। तुहानू दस दईए कि वख वख जगहों के जिहड़े रुझान ने वह आ रहे ने, पर इत्थे देखण वाली गल यह बनती है कि ऐतकी जिहड़ी बीजेपी है उहनू बहुत कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी के वलों मिली, क्योंकि जिथे जिथे बीजेपी के वड्डे नेता आपां कह सकदे आ काबिल सी, क्योंकि एक मेयर जिहड़े चंडीगढ़ के हैगे ने रविकांत शर्मा, उन्होंने भी जगह आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की। उस तो अलावा अरुण सूद जेडे वार्ड तो खड़े होंगे रहे उत्थे, ऐतकी उन्होंने अपनी जगह से विजय राणा नूं खड़ाया ते वह भी जेडा जित है वह हासिल नहीं कर सके, ते उत्थे भी आम आदमी पार्टी दे वल्लों जेडी जित है वह हासिल की गई। इस तरह वेख्या जा रहा है कि ऐतकी नगर निगम चोणां दे विच भाजपा नूं काफी टक्कर का सामना आम आदमी पार्टी दे वल्लों करना पिया है। तुहानूं दूजी जगह दस दईए कि इत्थे चंडीगढ़ दे विच जेडे लोग ने वह आए हुए ने, इकट्ठे होए हुए ने, गिनती जेडी है वोटां दी वह चल रही हैगी। वार्ड नंबर 29 तो जेडे आम आदमी पार्टी दे मुनव्वर ने वह भी जेतू हो गए ने, ते उस तो अलावा जेड़े होर वार्ड है 30, 31 ते 32 की जेड़ी गिनती है वह चल रही है। ते बहुत सारे समर्थक जेड़े बाहर इकट्ठा होए हुए ने, ते अपने अपने अपडेट की जेड़ी जानकारी है वह लै रहे ने, ते देखना होएगा कि बाकी सीटां दे उत्ते किस तरह जिहड़ी होर पार्टियां ने वह बाजी मार दिया ने। उत्थे ही जेकर गल कर ली जाए तो वक्री वक्री जगहों पर किते आम आदमी पार्टी आई है, किते भाजपा भी दो जगह आई है, तो किते कांग्रेस ने भी जित हासिल की है। हुण तक 8 सीटां दे नतीजे आ गए ने, जिहदे विच 4 आम आदमी पार्टी ने जित लिया ने, 2 ते भाजपा है, 2 ते कांग्रेस है। तो उस तो अलावा जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वो अगे चल रही है 3 सीटां ते, उत्थे कांग्रेस है जिहड़ी वह भी 1 सीट ते अगे चल रही है। ते देश विदेश च वेख रहे अपने दर्शकां दी जानकारी दे विच इजाफा करना होवे, पिछली टर्म दे विच किन्नियां सीटां किस पार्टी दी झोली पईआं सी, कुल सीटां की सी, ते रिजल्ट की सी, ते इस वारी वखरा की होण वाला? बिल्कुल, तुहानूं दस दवां नवजोत कि पिछली वार दे अगर रुझान देखे जाण तां 20 तों वध सीटां सी जिहड़ियां ओह भाजपा दे झोली पईआं सी, ते उस तों अलावा बाकी 4 सीटां सी जिहड़ियां ओह कांग्रेस दे हिस्से आईआं सी, ते आम आदमी पार्टी दे हिस्से कोई भी सीट पिछली वार नहीं पई सी। पर ऐतकी जिहड़े चोणां दे विच वड्डा उलटफेर देखण नूं मिलिया, क्योंकि इत्थे हुण नैक टू नैक दी टक्कर है जिहड़ी चल रही है आम आदमी पार्टी अते भाजपा दे विचकार। क्योंकि एक पासे देखा जाए तो आप इस बार अपने पैरां ते फिर तो खड़ी हुई, ते केजरीवाल दे वल्लों भी वड्डियां रैलियां इत्थे कीतियां गईआं, ते उस तों बाद बीजेपी दे वल्लों भी अपने स्टार प्रचारकां नूं बुला के किसी तरह की भी कोई कमी प्रचार दे विच नहीं छड्डी गई सी। उस तों बावजूद जिहड़े इत्थे वड्डा ढा आपां कह सकदे हां कि बीजेपी नूं चंडीगढ़ दे विच लगदा विखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जिवें आम आदमी पार्टी दे वल्लों हरमोहन धवन सीगे जो सीनियर आगू सी और इहदे विच खड़े होए सी, बावजूद इस दे कोई वड्डा कमाल आम आदमी पार्टी नहीं दिखा पाई सी। पर इस बार आम आदमी पार्टी नूं कांग्रेस ने वड्डा सहारा दिता। मैं कांग्रेस का सहारा इहदे च तां कह रही हां क्योंकि कांग्रेस दे जिहड़े वड्डे लीडर सी, भावें उह चंद्रमुखी शर्मा होन, भावें प्रदीप छाबड़ा होन, इन्हां ने कांग्रेस तो वक्ख हो के आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़िया, तो इसका काफ़ी फायदा जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं मिलिया है। तुहानूं दस दईए कि काफ़ी सारे जिहड़े लोग सीगे वो इन्हां दे ही प्रदीप छाबड़ा जां फिर आपां कहीए कि चंद्रमुखी शर्मा दे ही भेजे हुए सीगे, जिन्हां ने आप ज्वाइन की और उस तो बाद उन्हां नूं टिकटां भी मिलियां, तो उस तो बाद वो अपनी जिहड़ी जित है वह भी दर्ज करवा रहे ने। और यह सब तो वड्डी गल इत्थे देखण वाली आ रही है कि जिहड़ियां मेन सीटां सी उत्थे, भावें उह मेयर दी सीट सी ते भावें भाजपा प्रधान दी जिहड़ी सीट से, उत्थे भी जिहड़ा बीजेपी नूं हार दा सामना करना पिया है। ते हौली हौली रुझान आने शुरू हो गए ने, लगभग शाम तक है जिहड़े सारे सीटां दे उत्ते रुझान आ जाणगे। 35 वार्डां दे विच जिहड़े 203 उम्मीदवार उतारे गए सी, हुण देखना होवेगा कि पूरी जित किस दी झोली पैंदी है। ठीक है हरसिमरत, जानकारी साझ पाउण लई, तस्वीरां साझियां करन लई तुहाडा शुक्रिया।